नमस्कार, स्वागत आपका सिटी तैल का फटाफट में। मैं राज वर्मा, आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय ब्राह्मण अधिकार महासभा के अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने पानीपत में प्रेस वार्ता कर ब्राह्मण समाज की ओर से भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया को अपना समर्थन देने की घोषणा की। ब्राह्मणों के नेता रीत मोहन शर्मा भी मौजूद रहे। उमेश शर्मा ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस कन्हैया ने देश के टुकड़े टुकड़े होने का भाषण दिया था, राहुल गांधी उस कन्हैया के प्रचार में आए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रयासों से प्रभावित हुए और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सेना का मनोबल बढ़ाया और भारत का विश्व में नाम चमकाया, उससे भारत की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी को फिर से मौका दिया जाए ताकि वे देश को विकसित राष्ट्र बना सके। उन्होंने ब्राह्मण समाज से अपील करते हुए कहा कि जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित से मतदान करें, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने कभी जाति के आधार पर समाज को नहीं बांटा बल्कि सबको साथ लेकर चले हैं। मैं अच्छा उनको भाई मानता हूँ, वो भी मुझे भाई मानते हैं, लेकिन कई बार क्या है, अपनी अपनी विचारधारा होती है और उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है, और हमारा विचार बिल्कुल गंगा की तरह जो धारा पर वहाँ जो समर्थन चल रहा है उसके साथ है। और ये 23 तारीख को इस बात का सबको मालूम भी हो जाएगा कि ब्राह्मण समाज किधर गया। बृहस्पतिवार को बिंजोल के पास एक घर में पत्थर रगड़ाई का काम करने गई श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। पता चला है कि हाल ही में वह बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज से काम करने के लिए पानीपत आया था और पहला ही दिन था कि बिजली की तार उसके ऊपर पहाड़ बनकर टूट गई और मौत का शिकार हो गया। 22 वर्षीय युवक का एक 3 साल का बच्चा भी है। अपने पीछे पत्नी और बच्चे को छोड़कर शर्मिक का निधन हो गया। परिजन उसे नागरिक अस्पताल लाए जहां उसने दम तोड़ दिया। ज्ञात है कि एक घर में पत्थर रगड़ाई के लिए गया था। घर में बिजली की एक तार घर के अंदर आई हुई थी। शर्मिक जैसे ही गेट के पास खड़ा हुआ कि बिजली की तार अनिल नाम के शर्मिक के ऊपर गिरी। दर्द व पीड़ा से अनिल चिल्लाने लगा और बाद में उसकी नागरिक अस्पताल में मौत हो गई। अजी मेरा छोटा भाई काम पे गया था, ये पत्थर की सहायता कर रहा था और ठेकेदार का नाम था वाहिद, तो उनको लेके गया था और वो बाहर काम कर रहा था और वो ये बताया कि ऊपर से केबल की तार टूटी और उसके ऊपर गिरा और मर गया। हमारे को ये बताया कि करंट लगी है, फिर हम सिविल हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कहा कि ये मर गया और पहले से मरा हुआ। ठीक है, वो ठेकेदार फिलहाल छोड़ के भाग गया। हसन रोड पर पानीपत के एक हॉस्पिटल में फ्री ओपीडी चेकअप कैंप आयोजित किया गया। चेकअप कैंप में डॉक्टर अजय सेन और डॉक्टर सुमित ने 150 मरीजों की जांच की। उन्होंने बताया कि फ्री ईसीजी, फ्री शुगर जांच व फेफड़ों की फ्री में जांच की गई। 9 मई को हर साल इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर रक्तदान सेवा सोसाइटी के द्वारा कैंप भी लगाया गया जिसमें 66 लोगों ने रक्तदान किया। सुनील मेमोरियल अस्पताल में रक्तदान का यह पहला आयोजन किया गया था। आज 9 मई है और हमने आज ब्लड बैंक का कैंप का आयोजन किया हुआ है और हर साल 9 मई को हम आयोजन करते हैं, फ्री कैंप भी लगाते हैं और इस बार हमने कम से कम 50 से 60 यूनिट अभी तक कलेक्ट कर चुके हैं ब्लड की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पानीपत के 13-17 सेक्टर में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी व बसपा के उम्मीदवार पंकज रोड के लिए वोट मांगे। मायावती ने कहा कि बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है, लेकिन बसपा के कैडर को ऑटो का प्रचार करना चाहिए और ऑटो के निशान वाले बटन को दबाना चाहिए। मायावती ने कांग्रेस और भाजपा को निशाने पर लाते हुए कहा कि केवल बसपा ही गरीबों की सुनवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोसपा व बसपा गठबंधन 10-10 सीटें जीतने जा रहा है और आपने जो पिछले लोकसभा के आम चुनाव में चुनावी वायदे किए थे तो पहले आप उनका हिसाब दो और बाद में फिर वोट की बात करो। आप लोगों को जब ये बीजेपी के नेता हो, ये लोग आपसे वोट की अपील करते हैं तो आप उनको यही बोलो कि पहले अपने चुनावी वायदों का हिसाब करो, उनका हिसाब दो, बाद में वोट की बात। उपायुक्त पानीपत एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मतदान या चुनाव से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन कर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ किसी भी तरह की शिकायत सी विजिल ऐप पर भी दी जा सकती है जहां पर 100 घंटे के अंदर अंदर उसका निवारण किया जाएगा।
इस पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी शिकायत दी जा सकती है। जिला के अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रचार के सभी माध्यम व प्रचार प्रणालियों के द्वारा मतदान के महत्व का प्रचार करवाया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र की सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रीति ने इंडियन ऑयल रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बताया कि रिफाइनरी की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए एक नई पहल की गई है। उन्होंने बताया कि पानीपत के सभी पेट्रोल पंपों पर मतदान के दिन मतदान करने वाले मतदाताओं को पेट्रोल व डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। 12 मई को मतदान के दिन कोई भी मतदाता मतदान करने के बाद अपनी उंगली पर लगी शाइन दिखाने के बाद अपने व्यक्तिगत वाहनों जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप इत्यादि में तेल डलवाने के लिए इस छूट का लाभ ले सकता है। एडीसी प्रीति ने बताया कि यह छूट केवल व्यक्तिगत वाहनों के लिए ही मान्य होगी, व्यावसायिक वाहनों पर उक्त छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिटी तहलका के संघ को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत, अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।